इन दिनों पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आया हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गेम चेंजर बनकर विदेश से पाकिस्तान वापस लौटे हैं। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले 5 सालों से विदेश में निर्वासित जीवन बिता रहे नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने से अचानक पाकिस्तान के हालात बदल गए और पाकिस्तानी सेना के जज्बात भी। वही नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने के साथ ही उन पर रहमतों की बरसात हो रही है। पाकिस्तानी सेना के इशारे पर डमी लोकतंत्र का पूरा सिस्टम नवाज शरीफ को ईमानदार बनाने पर तुल गया है। नवाज शरीफ की सत्ता जिन मुकदमों की वजह से गई थी, अब पूरा डमी लोकतंत्र उन मुकदमों को धीरे धीरे खारिज करता जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने नवाज के लिए रेड कार्पेट बिछाते हुए इमरान खान की राह मुश्किल कर दी है। नवाज की पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले आम चुनाव में उनके पीएम उम्मीदवार होंगे। हालांकि इस मकसद को हासिल करने के रास्ते में 73 साल के नवाज शरीफ के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। नवाज को कई मुद्दों से निपटना होगा, जैसे कि पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए उनकी पार्टी को काफी हद तक दोषी ठहराया जाता है। वही चुनाव को लेकर लोगों में बनी एक व्यापक राय कि वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी जेल में बंद है और फिर सेना तो है जिसके हाथ में देश की सत्ता की चाबी है। विदेश में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री कई मौकों पर सशस्त्र बलों के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता के लिए ISI खुफिया एजेंसी के एक पूर्व प्रमुख और पूर्व सेना प्रमुख को दोषी ठहराया था। शरीफ ने कहा था कि वो फर्जी मामलों का शिकार हुए और उन्होंने देश के जजों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। हालांकि युद्ध का मुख्य मैदान तो फिलहाल अर्थव्यवस्था है, जनता में इसे लेकर भारी गुस्सा है। मतदाताओं के दिमाग में आसमान छूती मुद्रा स्फीति और जीवन यापन की लागत सबसे ऊपर होगी जब उन्हें आखिरकार वोट डालने का मौका मिलेगा। वही सबसे बड़ा सवाल सेना और नवाज के रिश्तों का भी है। बता दें कि सेना पाकिस्तान की राजनीति में एक मुख्य भूमिका निभाती है और कई तख्ता पलटों में सत्ता पर कब्जा कर चुकी है। वही सेना का नवाज शरीफ के साथ भी एक लंबा उतार चढ़ाव भरा इतिहास रहा है। हालांकि और अन्य स्पष्ट विकल्पों की कमी के बावजूद कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सेना उन्हें एक और मौका देने को तैयार है। कहा तो ये भी जाता है कि नवाज की अपनी पार्टी में भी कम झगड़े नहीं है। शहबाज हमजा को PM बनाने के सपने देख रहे हैं, तो खुद नवाज अपनी बेटी मरियम को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। ऐसे में क्या नवाज मरियम का नाम PM पद के लिए आगे कर सकते हैं और आने वाले दिनों में पड़ोसी मुल्क के अंदरूनी हालातों पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।